दे ओम शांति। भ्रुकुटी आसन पर चमकती हुई अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। मैं ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के संतान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे भीतर अनंत शक्तियां, सर्वगुण, ज्ञान का अनमोल खजाना समावित है। स्मृति में लाएं वृक्षपति, जानी जाननहार, नॉलेजफुल सोमनाथ, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव, बाबा का फरमान। अपना हिसाब किताब रख, हर एक्ट श्रीमत पर ते ही अभिमानी, फरमान वरधार, पूरा पूरा ध्यान से नॉलेज को धारण कर, बाबा को प्यार से यथारथ याद से मन मना भव और मध्याजी भव, सुदर्शन चक्र फराते, विक्रमा जीत माया जीत, निरोगी महावीर, रहम दिल बंद, दूसरों को सच्ची यात्रा पर ले जाने, की सेवा करते, उन्नति कर, ऊंचा पद, जीवन मुक्ति, विश्व का मालिक, डबल सिरताज का वर्षा पाकर, माला के दाने का विच्छेद बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा सदा कल्याणकारी है, रहम दिल है। हम बाबा के बच्चे भी सबके कल्याणकारी और रहम दिल हैं, और बाबा की ये आश पूर्ण कर रहे हैं। मैं मंगलकारी, उपकारी, सबके बारे में अच्छा सोचने वाली, शुभ सोचने, शुभ करने वाली, सबका मंगल करने वाली, दया भाव रखने वाली, दयालु, काइंड हार्टेड आत्मा हूँ। अनुभव करें स्वयं को भाप के कल्याणकारी, रहम दिल कि मैं संतान, इसमें स्थित होकर रूहों की दुनिया परम धाम से अवतरित,
एक चैतन्य ज्योति पुंज हूँ, मैं एक अवतरित आत्मा, सदा कल्याणकारी, रहम के सागर, परम पिता परमात्मा, शिव की संतान, सबकी कल्याणकारी, रहम दिल, सबको ठिकाना देने वाली, जैसे बाबा का हर एक आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव, क्षमा भाव है, कल्याणकारी भावना है, वैसी मेरी भी हर एक आत्मा प्रति श्रेष्ठ भाव, क्षमा भाव, कल्याण की भावना है। मैं रहम दिल आत्मा किसी भी आत्मा की कमी या गलती को न देख उसे परवश समझ, उस आत्मा के संस्कारों को अपनी रहम दिल की दृष्टि से परिवर्तन करती हूँ। कैसे भी अवगुण वाली, संस्कार वाली आत्मा हो, मेरा तो सबके प्रति रहम भावी है, अपकारी के ऊपर भी उपकार की भावना है। सदा ये स्मृति रहे कि मैं रहम दिल बाबा समान रहम दिल आत्मा हूँ। मुझे कमजोर अवगुण आत्माओं को क्षमा कर उन्हें शक्ति देकर आगे बढ़ाना है। गिरे हुए को भी मान देकर ऊंचा उठाना है। दादा का बच्चा मैं मास्टर दाता बन सबको कुछ न कुछ देते ही रहना है। मेरे सामने जो भी आत्मा आए मैं सबको रूहानी स्नेह देती हूँ, सहयोग देती हूँ, खुशी देती हूँ। अपने विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखें पूरे विश्व को, देखें विश्व की हर आत्माएं जो अपने परम पिता परमात्मा को भूल चुकी हैं, अपने आप को भी भूल चुकी हैं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी इन सर्व आत्मा प्रति यही भावना है कि इनको ठिकाना मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए। मैं इन सब आत्माओं को अपने कल्याण की भावना द्वारा मंजिल तक पहुंचा रही हूँ, शक्तियां देकर आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली इन सब भटकी हुई अशांत दुखी आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। मैं विश्व कल्याणी रहम दिल आत्मा भाभा से अवतरित सुख शांति और स्नेह की किरणें लेकर
विश्व में चारों ओर फैला रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं सदा सुखी भव के वरदान से, सदा दुख अशांति से मुक्त हो जाएं। मेरी कल्याणकारी मंगलकारी भावना से सबका मंगल हो रहा है। सर्व आत्माएं दुख अशांति से मुक्त होकर मुझे दुआएं दे रही है। अनुभव करें, अपनी सृष्टि की आदि मध्य और अंत का राज मैं जानती हूँ। जड़ और चैतन्य को, यथार्थ अंतर को, सत और असत को, सही और गलत को, व्यर्थ और समर्थ को पहचान कर परखने की और उसी प्रमाण निर्णय करने की शक्ति, खुद बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा ने मुझे दी है। महसूस करें अपने आंतरिक पवित्रता को। जो कंकर और पत्थर में, पाप और पुण्य में, अंधकार और प्रकाश में सहज ही अंतर कर देती है। महसूस करें अपने सोचने और समझने की, मन बुद्धि की शक्तियों को, जो मुझे प्रत्येक व्यक्ति को, परिस्थिति को, वातावरण को देखने का ज्ञान युक्त शक्तिशाली दृष्टिकोण दे रहे हैं। अब मैं व्यर्थ को देखते जानते भी उसके भीतर छुपे समर्थक को सहज ही पहचान लेती हूँ। समस्याओं में भी समाधान ढूंढ लेती हूँ। निगेटिव परिस्थितियों को भी अपनी पॉजिटिव मनसा से परिवर्तन कर देती हूँ। कीचड़ में कमल, अंधकार में रोशनी को, कोयले में हीरे को ढूंढ लेती हूँ। महसूस करें ईश्वरीय ज्ञान और योग के अद्भुत शक्तियां व्यर्थ को सहज ही मिटाते जा रही हूँ और समर्थ में परिवर्तन करती जा रही हूँ। बाबा का साथ मेरे मन और बुद्धि की तार ऐसे जुड़ी हुई है जो उनकी शक्ति मेरी आंतरिक और बाहर कमजोरियां और कमियां स्वतः ही शक्ति में परिवर्तन कर रही हैं। महसूस करें मेरा शुद्ध मनसा, आंतरिक दृष्टिकोण मेरे वृत्ति को पावरफुल, समर्थ, शक्तिशाली बना रहा है। फील करें अंतर में उठने वाले समर्थ वाइब्रेशन को और अपने नेचुरल योग युक्त स्थिति को। ओम शांति शांति शांति।